यहाँ पे बीएसएफ का नफरी है और यहाँ पे मेन मकसद था स्कूल के बच्चों को बुलाने का और कल्चरल प्रोग्राम रखने का ताकि बीएसएफ गांव वालों से रूट लेवल पे जुड़ जाए और जो सिविल नफरी यहाँ पे आए हुआ है बच्चे आए हुए वो बीएसएफ कैंप को देखें कि बीएसएफ क्या कर रहा है। पहले इतनी भारी तादाद में स्कूल का बच्चा लोग नहीं आता था, गांव के लोग भी नहीं आते थे। मुझे बड़ी खुशी हो रही कि यहाँ से यहाँ काफ़ी लोग आए आज, इसका मतलब यहाँ से माओवादी ख़त्म हो चुका तकरीबन, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं थी पहले आने से। क्योंकि यहाँ पे अभी आपने देखा बिना डर के बिना किसी उसके सभी यहाँ पे आए हुए और सभी ने यहाँ पे जो प्रोग्राम है कल्चरल प्रोग्राम यहाँ का जो जनजाति का प्रोग्राम था उसको एंजॉय किया और हमें बड़ी खुशी है। सर क्या बताएंगे माओवादी को, क्या आह्वान देंगे? क्या माओवादी से मेरा यही निवेदन ही करूँगा मैं उनको कि जो सही रास्ता पकड़ लें, इसी में भलाई है माओवादी का। जो आम नागरिक जिंदगी जीता है उस पर आ जाए। उड़ीसा गवर्नमेंट का सरेंडर पॉलिसी बड़ा अच्छा है, सरेंडर कर लें अपने आप को ताकि इस उड़ीसा राज्य में और भी प्रोग्रेस हो। यहाँ पे बीएसएफ नहीं था और यहाँ पे तमाम नक्सलवादी खुलेआम घूमता था, यहाँ पे पूरा बोलबाला था नक्सल का, शाम को तकरीबन कर्फ्यू रहता था, बाजार भी शाम तक ही खुलता था। यहाँ पे सरकारी कर्मचारी या सिविल कर्मचारी घूम नहीं पाता था, जो भी उड़ीसा गवर्नमेंट का डेवलपमेंट वर्क्स था वो नहीं हो पाता था क्योंकि नक्सल घूमता था आराम से। अभी जब से बीएसएफ यहाँ पे आया है, बीएसएफ ने पूरे इलाके को डोमिनेट किया, गाँवों से मिला है और नक्सल को दूर रखा है। दर्शक बंधु ओमिक्रॉन प्राय विस्तार करबा आरंभ करूछि, आद्य भयभीत होत नै, समस्त को सुरक्षा पाई मास्क व्यवहार करि कोविड रो समस्त नियम पालन करू, निजे सुरक्षित रहबा सहित अन्य मानको सुरक्षित रखू। एहा आम टीवी परिवार तरफ रु आपन मानको निवेदन।